Hey guys, ये कहानी है 14th August की October की. हम जा रहे थे मनीला, काम था कुछ special. क्योंकि वो special काम जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो इतना special है और इतना मजेदार है, आप जब देखोगे वो हक्का बक्का रह जाओगे और हंसते हंसते पागल हो जाओगे, trust me. तो चालू करते हैं आज का vlog, because a special view. तो आते हैं मेन टॉपिक पे. मैं जा किसके साथ रहा हूँ? पहले तो है मोहित और कैप्टन पीनट, जिनको मैं प्यार से पीनट बुलाता हूँ, बट उनका नाम कैप्टन पुनीत है. तो बीच में लिया हमने क्विक स्टॉप जॉलीबी में, और जॉलीबी में मैंने थोड़ा बहुत शेक वेक पिया, मोहित ने क्रिस्प चिकन खाया और सर ने एज यूजुअल पैनकेक. सर पैनकेक के दीवाने बेसिकली. तो बस क्विक स्टॉप लिया हमने जॉलीबी में, उसके बाद सामने की जर्नी आप खुद ही देखो. क्विक स्टॉप एट जॉलीबी. जॉलीबी के नाश्ते के बाद हमने वहाँ से निकले औरंगाबाद में, टैक्सी लेके विक्ट्री लाइनर गए. विक्ट्री लाइनर इज बेसिकली अ बस सर्विस प्रेजेंट इन हियर इन फिलीपींस. तो विक्ट्री लाइनर लेके हम सीधा पहुँचे मनीला. मनीला पहुँचने के बाद वहाँ पे हम गए पार्क एंड फ्लाई के पास. पार्क एंड फ्लाई पे बेसिकली वो एक जगह है जहाँ पे सिम्युलेटर, ये सब फ्लाइंग रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी है. पार्क एंड फ्लाई गए, वहाँ पे सिम्युलेटर चेक था. वहाँ पे क्या हुआ वहीं पे देखो. हे हमना जी, ओके, द थिंग बिहाइंड मी इज अ प्रिसिशन सिम्युलेटर, फुल मोशन सिम्युलेटर. इट हैज 6 एक्सेस मोशन. एंड आज हम इसी के लिए आए थे यहाँ पे मनीला में. और गेस व्हाट, आई डिड अ वेरी रियली रियली स्मूथ लैंडिंग. पुनीत सर के बड़ी मजा आ रही है बाय द वे, क्योंकि इतना भयंकर ना वो, एक्चुअली मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया, बट मैंने किया रहता ना भाई साहब, वो पूरा सिम्युलेटर आगे पीछे हो जा रहा था. एनीवेज इसके लिए आए थे हम आज मनीला और ये हो गया. तो बॉल में तो अच्छा नहीं हूँ, बट कैप्टन पुनीत वन ऑफ द बेस्ट पायलट आई हैव एवर सीन.
तो क्या हुआ बेसिकली, हम वहाँ पे जाते बराबर जो सेंसिटिविटी है प्रिसिशन सिमुलेटर की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या हुआ बेसिकली, जब रनवे पे टेक ऑफ करते हैं तो योग को पीछे खींचना पड़ता है। तो जब कैप्टन ने टेक ऑफ करना चाहा, थोड़ा सा खींचने पे एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर बहुत ज़्यादा अब्रप्ट मोशन कर दिया, बहुत ज़्यादा सडन मोशन कर दिया, जिस वजह से वो एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया। उस वजह से वो थोड़ा बहुत अजीब मूवमेंट करने लगा। तो उस मूवमेंट की वजह से सब लोग हंस रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी बेसिकली, विच वॉज नॉट अ बिग डील। तो वो आप अभी देखेंगे बेसिकली। तो फाइनल्स पे देखते हैं प्लेन को लैंड करा थे अप्रोचिंग रनवे 06 दिल्ली बस मुझ जा रहा है। ओके ओके टच डाउन आ गया। ओ बाउंस सबसे मजे की फ्लाइंग ना पुनित ने की है। पुनित अभी ना ध्यान से सुनना कैप्टन पुनित क्या बोल रहे हैं। पुनित सर हैज बिकम पार्ट ऑफ अ जोक टुडे। इसमें मीम्स बनेंगे बहुत जबरदस्त। एम आई दी ओनली वन ये सब बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोले अकेले। हाँ तो सबसे मेन चीज, अगर हम सिम्युलेटर करने ही गए हैं तो वो कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मोहित का, कैप्टन का, बाकी लोग जो थे हमारे साथ उनका, ये भी पूछना जरूरी है राइट। तो पूछते उनको कैसा लगा। We're gonna ask for experiences. How was your experience, man? It was fun. How was your experience? Don't post it. Mine is okay. Good. You were confused. Yeah. How was your experience? बहुत ही अच्छा है। अच्छा था। और क्या? ये है आम ज़िंदगी। आपका कैसा था? यार अच्छा था काफी। बड़े से बाद हम सेंटर स्टाइल किया तकरीबन एक साल बाद तो बोल रहे हैं। सिमुलेटर था काफ़ी सेंसिटिव था, जिसकी वजह से हम समझ कुछ और रहे थे। महंगा तो ऑब्वियसली हर सिमुलेटर होता है, इसके अलावा क्योंकि जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट हैं और जो रेडबर्ड सिमुलेटर हैं, इन दोनों में और इस सिमुलेटर में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम अगर ओरिजिनल की तरह इसको फ्लाई करें तो वही होगा जैसे बोले के साथ हो। बाकी अगर आप इसको बिल्कुल आराम सुकून से प्यार के साथ फ्लाई करोगे तो आपका मुनाब रोके। मैंने तो ये चीज़ आज नोट की। बाकी बड़ा मजा आया। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। हमना को बड़ी खुशी हुई है। आप ऑफिसर पूछें कि वो क्या कहती है। हेलो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज सो मच फन। ओह माय गॉड बहुत मजा आया मुझे। दिस इज अ प्रिसिशन फ्लाइट कंट्रोल सिमुलेटर। This can be configured up to 40 plus different aircraft. It can emulate up to 100 plus emergency situation in real world. Well, I was seated here and the teacher was seated there. Those two things down there, those are pedals, also known as rudders and brakes. This is a yoke and other stuff are avionics stuff. This is a really, really high-tech machine and it feels as if you're really flying in an aircraft. This is good stuff. मनीला और हमारा ना एक बहुत ही
अजीब में आता है. बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए मनीला जाना पड़ता है. स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारा मेडिकल हो रहा था, तो मेडिकल के वक्त जो ड्रग टेस्ट होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फिलीपींस के एजेंसी के हिसाब से, क्योंकि ये लोग ना ड्रग के बारे में थोड़े ज़्यादा ही कॉन्शियस है. बट चीज़ क्या हुई थी, ड्रग टेस्ट में दो यूरिन सैंपल देने पड़ते हैं. हमने एक दे दिया एंड वी थॉट कि एक इज इनफ, सो हो गया रहेगा ड्रग, और किसी ने हमको इन्फॉर्म भी नहीं किया था. हम मनीला से स्यूबिक आ गए थे, बट स्यूबिक आने के बाद पता चला कि हमारा एक ही यूरिन सैंपल सबमिट हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है. तो सिर्फ सुसु करने के लिए हम स्यूबिक से मनीला गए थे. वैसे इस बार भी हुआ, हमें सिर्फ चेक राइड करनी थी जो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट की थी. उस चीज के लिए हम स्यूबिक से मनीला गए, 5-10 मिनट का वो हुआ जो भी था, उसके बाद हम वापस आए. लिटरली 5-10 मिनट के लिए मनीला गए थे. हमारा मनीला आने का कारण बस ये 5-10 मिनट का सिम्युलेटर चेक था. अभी हो गया, वापस जा रहा है. लिटरली इमिग्रेशन के लिए जा रहे ले, खाना भी खाने का है. वही गो टू पोस्ट ऑफिस. आपने कुछ और नोटिस करा होगा, कुछ और एक्सपेक्ट किया रहेगा. भाई साहब ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. ये पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है लिटरली. मनीला में तो थे, मनीला में जाके कुछ काम भी करने थे, थोड़े बहुत काम थे सर का, जैसे इमिग्रेशन का काम था. इमिग्रेशन का काम होते बराबर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया वहां पे जाके, क्योंकि उस दिन था नाश्ता डे. हमने सुबह नाश्ता किया, हमने इमिग्रेशन में जाके नाश्ता किया, हमने घर पे आके तक नाश्ता किया. लंच और डिनर नाम की चीज हुई नहीं उस दिन. वो सब हुआ, थक तो बहुत गए थे. उसके बाद विक्ट्री लाइनर गए. विक्ट्री लाइनर एज आई टोल्ड यू बस सर्विस, विक्ट्री लाइनर सुबह थक बहुत गए. मनीला में भीड़ है, ट्रैफिक है, काफ़ी लोगों के वजह से चैन भी है. काफ़ी लोगों को लगता है वहाँ पे अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ पे सब बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह है. बट स्यूबिक यहाँ पे आके अलग सा सुकून मिलता है. इतना अच्छा लगता है घर आके कि यहाँ से कहीं जाने की इच्छा. तो ये था मेरा पहला व्लॉग. बींग फर्स्ट व्लॉग थोड़ा इम्परफेक्टली परफेक्ट हो सकता है, तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और स्टे ट्यून फॉर दिस अमेजिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अगेन. मेरा नाम है पराग दिनेलकर, क्योंकि नाम ही काफी है.